हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरठ के प्रतापपुर में एक मुस्लिम दंपत्ति को दबंगों के साए में घुट घुट कर जीने को मजबूर है। उस भाई का नाम है इरफान, मेरठ का, प्रतापपुर का है वो। यहाँ तक कि ईद के दिन उसको ईद में भी नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। कैसा है ये इस्लाम? इसका कसूर मात्र इतना है कि इसने उस लड़की से निकाह किया है जिसको ये प्यार करता था। वो दोनों आपस में प्यार करते थे और उन्होंने आपस में निकाह किया है 2014 में। लड़की का नाम है फरजाना, ठीक है। और इनको जो है हाई कोर्ट के आदेश के बाद में इनको इनका निकाह हुआ था। उसके हाई कोर्ट के आदेश में पुलिस प्रोटेक्शन में इनका निकाह हुआ था और उसके बाद से ही इनको परेशान किया जा रहा है दबंगों के द्वारा। क्या इस्लाम ऐसे निकाह करने वाले जोड़ों को परेशान करने की इजाज़त देता है जिनका निकाह मुस्लिम या इस्लाम पद्धति के अनुसार हुआ हो? क्या उस इस्लाम को मानने वाले दबंग लोग किसी इस्लाम दंपत्ति को इस तरह डर डर के जीने पर मजबूर कर सकता है? कहाँ हैं इस्लाम की दुहाई देने वाले लोग? जैसा कि सर्वविदित है, इस्लाम में केवल जो अपने जो रियल माँ बाप हैं उनसे शादी नहीं कर सकते, नहीं तो बहन और भाइयों के बच्चों में भी शादी होती है इस्लाम के अंदर, और प्राय ऐसा होते देखा गया है। तो इस्लाम को मानने वालों पर इस पर आपत्ति क्यों है? मैं इरफान भाई से कहना चाहूँगा कि वो मेरठ सिटी में जाएं और वहाँ जो मेरठ में जो सबसे बड़ी मस्जिद हो उसमें जाएं और वहाँ का जो मौलाना या मौलवी जो भी होता है, आप इस पर उससे राय लें। यदि आप को डर है मेरठ के अंदर तो आप देवबंद जाएं। देवबंद में दारुल उलूम हैं, बहुत बड़ी संस्था है मुस्लिमों की, और उनके जो हेड हैं आप उनसे मिलें, उनसे इस पर राय मांगें। क्योंकि दोस्तों, इरफान पर दबाव डाला जा रहा है कि वह फरजाना को तलाक दे, जबकि उनके दो बच्चे भी हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। तो ये कहाँ तक उचित है जब इस्लाम में इस प्रकार की पद्धति मान्य है? और इरफान भाई, आप देवबंद जाएं, वहाँ पर मिलें मौलवियों से और मौलानाओं से, उस दारुल उलूम के अंदर जाकर उन्हें अपनी समस्या बताएं। आशा है कि वो उसका निवारण जरूर करेंगे। और यदि आपको वो है कहते कि नहीं, आपने कोई इस्लाम के विरुद्ध कार्य नहीं किया है, तो कृपया करके उनसे ये कहें कि वो इन लोगों के खिलाफ फतवा जारी करें जो दबंग लोग आप पर इस तरह का दबाव बनाए हुए हैं। और साथ ही आप प्रशासन से भी सहायता लें, जैसा कि आपने एसएसपी को, आप एसएसपी से भी मिले हैं, आप योगी जी को भी लेटर लिखा है, चूँकि वो इस प्रदेश के जो है मुखिया हैं अभी, और ये आपका संवैधानिक हक है, नागरिक होने के नाते यूपी का आपका ये अधिकार है कि आप वहाँ के मुख्यमंत्री से मिले। परंतु इसमें थोड़ा, अगर आप दारुल उलूम जाएं और वहाँ पर उनसे मिलें अपने मौलाना और मौलवियों से, तो शायद वह आपके कुछ सहायता कर दें। और उनसे निवेदन करें कि वह अपना कोई प्रतिनिधि उस गांव में भेजें और जिससे कि वह वहाँ के लोगों को समझाएं, अगर ना समझे तो उनके खिलाफ़ फतवा जारी किया जाए। आशा है आप ऐसा करेंगे। और मैं जो मेरठ के जो मुस्लिम भाई हैं, ठीक है ना, मैं कोई मुस्लिमों का विरोधी नहीं हूँ भाई, मैं तो बेचारे किसके पक्ष में बोल रहा हूँ। इसका जीवन नरक बना दिया वहाँ लोगों ने। मेरा मुस्लिम जो मेरठ के मुस्लिम भाई हैं उनसे निवेदन है कि कृपया करके अपने इस भाई की सहायता करें, क्योंकि दोस्तों अगर इसमें कोई और उनकी सहायता करना जाएगा तो इसको कुछ और ही रंग दे दिया जाएगा।
और ये मैं वीडियो भी इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पता चल सके कि उस भाई के साथ में क्या हो रहा है, उनको तलाक देने के लिए मजबूर किया जा रहा है जबकि वे दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो क्यों उनको मजबूर किया जा रहा है दबंगों के द्वारा कि वो तलाक दें फरजाना को? क्या उसको, इरफान भाई को अपने बच्चों के साथ में रहने का हक नहीं है? या ये दबंग लोग अब डिसाइड करेंगे कि पति पत्नियों को साथ में रहना है या नहीं रहना है? आशा है कि मेरठ के जो मुस्लिम भाई हैं वो इसकी सहायता करेंगे। अगर कोई सुन रहा हो तो भाई इसकी सहायता जरूर करो। और भाई जो मेरठ का ना, अगर मैं कुछ गलत हूँ तो भाई बता सकते हैं, आराम से बताना दोस्त, इसमें गाली गलौच वाली बात नहीं है। चूँकि अगर मैं कुछ गलत कहा है तो मेरा ज्ञान बढ़ेगा, तो आगे से मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा। परंतु मेरे को नहीं लगता कि जो मुस्लिम पद्धति के अनुसार अगर जब इन्होंने शादी की है पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर, तो इन पर इस तरह का दबाव बनाया जाए। क्योंकि मुस्लिम धर्म में जहाँ तक मैंने सुना है कि बहन भाई के बच्चों में भी शादी हो जाती है, जबकि इसमें तो ऐसा कोई केस भी नहीं है। तो आशा है इस भाई के लोग सहायता करेंगे और इसको गाइड करेंगे अच्छे से, इसको जो है गांव में इसके जा कर के उन लोगों को समझाएं मेरठ से, क्योंकि मेरठ और प्रतापपुर को ज़्यादा दूर नहीं है, मिले हुए हैं दोनों के दोनों, इसकी सहायता करें। आई होप हमारे मुस्लिम भाई इस भाई की सहायता जरूर करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, इनको ईद में भी नमाज में नहीं जाने दिया गया, मस्जिद के अंदर नहीं घुसने दिया, जो कि इनका एक सार्वभौमिक अधिकार था। तो क्या अब इस्लाम के कुछ दबंग यह सुनिश्चित करेंगे कि मस्जिद में नमाज पढ़ने कौन मुस्लिम जाएगा और कौन मुस्लिम नहीं जाएगा, और वो भी ईद जैसे पर्व पर, जो कि एक भाईचारे का त्यौहार माना जाता है? थैंक यू एंड बाय बाय।